एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा न्यू पैक आया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें बहुत ही सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, एक मिनट दिखाती हूँ। और इसलिए मुझे चलते चलते आना पड़ा शॉप से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं कंप्लीट नहा के अभी निकली हूँ और बाल गीले हैं कल, क्योंकि बालों में ऑयलिंग करी थी तो आज वॉश कर दिए। और अभी मेरा स्किन केयर बाकी है, फेस वॉश मैं बाहर ही आके करती हूँ क्योंकि मुझे रात को भी करना होता है, तो वॉशरूम में नहीं रखती हूँ मैं, फेस वॉश बेसिन में ही रखती हूँ। तो अभी फेस वॉश करूँगी और फिर मेरा करूँगी मैं स्किन केयर। तो अभी चलिए एक बार फेस वॉश कर लेते हैं फिर स्किन केयर। फेस वॉश हो चुका है, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया कि फेस वॉश भी सेम जो हम मिशेल का फेस वॉश यूज़ करते थे वैसे ही सेम होगा, क्योंकि ये क्लेंजर है तो अच्छे से फेस के अंदर पूरे पोर्स को क्लीन करेगा। अगर पहले फेस वेट नहीं होगा ना, ओनली फॉर हैंड्स ही क्लीन होने चाहिए, फेस वेट नहीं होना चाहिए, तो अच्छे से टाइटली मसाज होकर पोर्स के अंदर क्लेंजर जाएगा और पोर्स को क्लीन कर देगा। तो अभी आप देख सकते हो मेरा फेस कितना क्लीन हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोनर, बहुत कम अमाउंट में लेना है, जितनी ज़रूरत है इतना, और ऐसे ऐसे करके पूरे फेस पर फ्रेग्रेंस ज़बरदस्त, अच्छे से अंदर स्किन के अंदर इसको जाने देना है। जो पोर्स हमने क्लेंजर से क्लीन किए हैं उसको टोनर से फिल करना है। सेकेंड आ जाता है डार्क स्पॉट रिमूवर। डार्क स्पॉट्स तो अब रहे नहीं है, पर कुछ रह गए वो भी क्लीन हो जाएंगे। इसको भी बहुत ही कम अमाउंट में लेना है, बस इतना। ये एकदम लिक्विड है तो इसको अच्छे से लगाना होता है क्योंकि ये बह जाता है, इसलिए जब तक स्किन के अंदर पूरा चला नहीं जाए वेट करना है, तुरंत के तुरंत प्रोडक्ट नहीं लगाने, एक प्रोडक्ट को अपना काम करने देना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ स्पॉट्स हो वहीं लगाना है, हमारे ऑल ओवर पूरे फेस पर लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे फेस की जो स्किन है वो इवन हो जाएगी उससे। कहीं डार्क है कहीं लाइट है, बहुत जनों का प्रॉब्लम होता है ना, जैसे कि इधर साइड लाइट होती है कहीं, नहीं इधर लाइट होती है इधर डार्क होती है, कभी कभी मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी, और ये प्रॉब्लम मुझे थी, पर इस प्रॉब्लम को मेरे क्लियर बैलेंस ने क्योर कर दिया। इससे पहले मैं मिशेल यूज़ करती थी, मिशेल के भी रिजल्ट्स मेरे ऊपर काफ़ी अच्छे थे, बट कुछ स्टमक की प्रॉब्लम्स की वजह से, स्टमक में अगर प्रॉब्लम होती है तो फेस पर एक्ने वगैरह आते हैं, तो वो मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, फिर मैंने मेरा स्किन केयर चेंज कर लिया क्योंकि कुछ नया प्रोडक्ट आया था तो मुझे ट्राई करना था। उस प्रोडक्ट का मेरे फेस पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। क्लियर बैलेंस जो ये सीरीज़ है ये ओनली फॉर इवन टोन के लिए, बहुत अनइवन स्किन जिनकी होती है उनके लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो प्रॉब्लम मुझे थी तो मुझे मेरी स्किन के लिए एकदम परफेक्ट स्किन केयर मिल गया, तो इससे ये सारी प्रॉब्लम्स क्योर हो। मिशेल के प्रोडक्ट हैं वो ऑल पर्पस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर लिफ्ट एंड फर्म सीरम भी आ जाती है, इसके बाद हाइड्रेशन की जिसके फेस में कमी होती है हाइड्रेशन क्रीम भी आ जाती है, टोनर, फेस वॉश, उसके अंदर क्या स्पेसिफिकली जिस प्रॉब्लम के लिए जो जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर एक प्रोडक्ट बना हुआ है, और ये ओनली फॉर इवन टोन के लिए क्लियर बैलेंस जो है। तो आपको मिशेल और क्लियर बैलेंस में दोनों में कन्फ्यूजन जो था वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत जनों को हो रहा होगा पहले वो यूज़ करती थी अब ये यूज़ करती है, बट ये मेरी प्रॉब्लम को क्योर कर रहा है और मिशेल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मिशेल क्योर करेगा, क्योंकि मिशेल जो मेरी प्रॉब्लम्स को क्योर तो कर रहा था पर लॉन्ग टर्म तक नहीं कर रहा था, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स मेरी थी ही नहीं, तो मैं वो प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, इफेक्ट कर रहे थे, बट जो मेरे को परमानेंट चाहिए था वो नहीं हो रहा था, और इसमें परमानेंट हो रहा है क्योंकि मुझे ही थोड़े टाइम में ही असर दिख गया है, क्योंकि इतना जल्दी कोई प्रोडक्ट काम करता नहीं है। आप कुछ ब्लॉग्स पहले जाके देखोगे तो मेरी स्किन पे इतने ज़्यादा दाग धब्बे थे ना, मैं खुद परेशान थी, मैं खुद कुछ करना ही नहीं चाह रही थी, इवन मैं मेकअप के ट्यूटोरियल्स भी बनाना पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि मेरी स्किन ऐसी थी ही नहीं, ऐसी हो गई, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है ना, उसको हाई करता है ये डे क्रीम हमारी। और जब भी इस टाइप का कंटेनर कुछ भी आप यूज़ करते हैं क्रीम का या फिर किसी भी क्रीम का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ क्लीन होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो क्रीम है प्रोडक्ट है वो इन्फेक्टेड होता है। फिर पूजा हो चुकी है मेरी और अभी मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बना रही हूँ इधर लौकी की सब्ज़ी बन रही है, हुआ आए हुए तो बहुत, और ये दाल बन रही है,
ये दाल, ये रही चावल एक तरफ बन रहे थे, तो आटा बांध देती हूँ अभी। और टाइम लगभग नहीं, 12:11 हो रही है। रात थोड़ी लेट होगी पूजा करने में, क्योंकि उठने में भी थोड़े लेट हो गए थे। रात को मूवी देखते देखते ऐसे ही सो गए थे, मैंने तो पूरी मूवी देख ही नहीं पाई। मूवी हम कौन से देख रहे थे, स्पाइडरमैन, थोड़ी सी देखी और नींद आ गई थी मुझे तो। खाना हमारा हो गया है, अभी हम खाना खाने के लिए बैठे हैं। खाने में है आज मसूर की दाल, थोड़ी नमकीन भी ले लिए, पापड़ी ले लिए, प्याज ले लिए हैं, और ये रोटी का डब्बा। खाना हो गया है, अभी घर पे गेस्ट हैं इसलिए मैं लेट हो गई थोड़ी, पर कोई भी नहीं, अभी जा रही हूँ। घर पे मम्मी पापा हैं इसलिए अटेंड कर लेंगे। शॉप पे आ चुकी हूँ, देखती हूँ मंदन मैडम ने क्या कर दिए। शॉप पे आने के बाद तो ये रोशनी और आज सब जनों ने बैठ के मेरे पैर क्लीन किए, वैक्स नहीं किए आज तो, ओनली फॉर धागा चलाया है, और पूरे पैरों को जलन जलन से भर दिया है, क्योंकि जो थ्रेड से बाल निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा जलन करते हैं इसलिए। तो अभी सब जने हम बैठे हुए हैं, और बैठ के आज तो पूरा दिन फ्री है, हालांकि कुछ ज़्यादा काम नहीं था। आगे वाली शॉप पर जाती हूँ, आगे क्या काम है। तो जो मैंने आज आपको बताया था सुबह मिशेल के बारे में, मिशेल का एक बहुत ही अच्छा न्यू पैक आया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें बहुत ही सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। एक मिनट दिखाती हूँ। इस मिशेल की किट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब कंप्लीट पूरी रेंज अवेलेबल है। मैं आपको बताती हूँ एक एक चीज़। ये 7 स्टेप्स की किट है, बहुत ही अच्छी किट है, और ये किट स्पेशली एंटी एजिंग के लिए है, जिनके फेस पर रिंकल्स आ रहे हैं, एजिंग दिख रही है, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, एज से भी बहुत जल्दी बुढ़ापा रहा है, उनके लिए है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है ये बताती हूँ। और ये जो किट है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है, तो काफ़ी आपको यूज़ करने में मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है इंस्टा ब्राइट, इंस्टा पॉलिश, इंस्टा ब्राइट क्रीम, जो कि एक तरह का स्क्रब है। उसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्यूट है, छोटी छोटी पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आपको दे रखा है, तो आपको एक बार टेस्टर के लिए भी यूज़ करने में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इंस्टा ब्राइट इसके अंदर स्क्रब दे रखा है, फिर सेकंड इसके अंदर क्रीम दे रखी है लिफ्ट एंड फर्म सीरम, जो कि हमारी स्किन को टाइट करती है और हमारे फेस को अच्छे से फर्म करती है, लिफ्ट करती है, जो हमारी स्किन पर एजिंग आ रही है उसको। और फिर आ जाता है लाइनलेस आई कॉम्प्लेक्स सीरम। आंखों को कैसे हम भूल सकते हैं, क्योंकि आंखों के पास सबसे ज़्यादा फाइन लाइन्स आती हैं एज के अकॉर्डिंग, सो इसीलिए इसमें दे रखी है लाइनलेस आई कॉम्प्लेक्स सीरम, जो कि हमारे आई एरिया पर हमको लगानी है, जिससे डार्क सर्कल्स भी रिमूव होंगे, रिंकल्स भी रिमूव होंगे, और पफिनेस भी रिमूव होगी। फिर इसके अंदर आ जाता है पैटिडेंट हाइड्रेशन क्रीम। ये फेस की हाइड्रेशन क्रीम है, क्योंकि फेस हमारा रूखा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन अगर हमारे फेस को नहीं मिलेगा, इसी वजह से हमारे फेस पर क्या रिंकल्स आते हैं। फिर आ जाती है नाइट थेरेपी क्रीम। नाइट थेरेपी क्रीम है, जो कि आपको रात को यूज़ करनी है फेस वॉश करने के बाद, और सबसे ज़्यादा नाइट थेरेपी जो क्रीम होती है वो वर्क करती है, क्योंकि रात को हमारी स्किन बहुत अच्छे से हील हो रही होती है। और इसके अंदर एक प्रोडक्ट और न्यू ऐड है, जो कि है नेक थेरेपी। रिंकल्स ओनली फॉर फेस पर नहीं आते हैं, नेक में भी आते हैं एज के अकॉर्डिंग, तो नेक के लिए भी स्पेशल इसमें क्रीम दे रखी है, जो नेक में रिंकल्स आ रहे हैं उसको भी रिकवर करेगी ये, और स्किन को टाइट करेगी। फिर आ जाता है SPF, क्योंकि SPF भी लगाना ज़रूरी है। हमारा फेस हमने इतना अच्छे से स्किन केयर कर दिया, बट अब इस स्किन केयर को अच्छे से लॉक करने के लिए हम बाहर जाएंगे, तो ये इसका वर्क है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए ना, तो इसके लिए सनस्क्रीन भी दे रखा है छोटी सी क्यूट पैकिंग के अंदर। और लास्ट आ जाता है बॉडी लोशन। इसके अंदर एक छोटा सा बॉडी लोशन भी दे रखा है, जो कि आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और मिशेल का बॉडी लोशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम लाइट वेटेड है, और हमारे pH बैलेंस को एकदम मेंटेन करके रखता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारे स्टेप्स भी इसके ऊपर प्रॉपर दे रखी हैं। डे नाइट रूटीन है पूरा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ज़्यादा, यानी आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है इसको क्योर करेगा एकदम। इसके ऊपर कंप्लीट सारे स्टेप्स लिखी हुई है, कैसे कैसे यूज़ करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनके। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो ये प्रोडक्ट यूज़ करने में, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इसके ऊपर भी पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अभी हो रही है भाभी से बातें, टाइम पास हो नहीं रहा था तो भाभी को फ़ोन किया है, भाभी और दोनों बातें कर रहे हैं वीडियो कॉल पर। 7 बज गई हैं, पर चिको अभी तक लेने नहीं आया। चिको और ये लोग कहीं पर गए हैं, क्या पता कहाँ पर गए, मुझे पता ही नहीं है बराबर से। और अभी मुझे जाना है घर पे, टाइम हो गया है यार खाना बनाना है, तो सोचो चलती चलती निकल जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी फिर मैं। शॉप से आ गई हूँ चलते चलते,
कभी आने का काम तो बहुत कम पड़ता है, पर जब चल के आना पड़ता है तो थोड़ा जोर भी आता है, क्योंकि सब जने बहुत ज़्यादा घूरते हैं, हाथ में कैमरा होता है। इसलिए घर पर आ चुकी हूँ। घर पर आने के बाद अभी खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। खाने की प्रिपरेशन मैं अभी बना रही हूँ बुआ के लिए, तो बुआ हमारे घर पर गेस्ट आए हुए हैं, तो बुआ के लिए बना रही हूँ सामे की खिचड़ी। ये खिचड़ी की तैयारी हो गई है, हम सबके लिए टिंडोरी बन रही है, तो फटाफट से फ्राई कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ, आज 7:30 तो हो गई है अभी। सब्जी भी फ्राई हो गई है एक तरफ मैं खिचड़ी भी फ्राई कर दी है, और यहाँ पर बांध रही हूँ मैं आटा। व्लॉग ही बना देते वहाँ पे। आज चिगू और हनी दोनों जने गए थे फोटोशूट पे, मेरे को लेके कहीं गए नहीं थे, तो वहाँ पे जो गाड़ी लेके गए थे ये गाड़ी वहाँ पे बंद पड़ गई, तो 1 घंटे तक उस गाड़ी को धक्का मारते हुए लाए, और इसलिए मुझे चलते चलते आना पड़ा शॉप से। आटा गल रहा है, सब्जी पक रही है, और ये यहाँ पर खिचड़ी भी बन रही है। तब तक उनके आज का एक्सपीरियंस पूछते हैं कैसा रहा। क्या निपेश जी, आज का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आज का। क्या एक्सपीरियंस, कैसा रहा फोटोशूट मारते। अभी तेरा एक्सपीरियंस और नहीं हो जाता। मैं तो चुप फोन गया, इसलिए तेरे मुंह का रिएक्शन जोरदार था। कैसा लगा बता अब। क्या हुआ, क्या एक्चुअल में हुआ? यूं कि गाड़ी तो सही सलामत पहाड़ से नीचे उतर गई, ठीक है, फिर उसके बाद क्या गाड़ी बंद हो गई, फिर धक्का दिया चले नहीं, दोनों लाते मार रहे हैं, पैर मार रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बाइक को। पर गाड़ी भी कितनी हेवी है, बुलेट लेके गए थे, पता चला आज बुलेट भारी कितनी होती है। एंटोर का काम आई बराबर। एंटोर नहीं लेके थे, एंटोर थी नहीं। तो कौन से लेके गए थे आप? स्प्लेंडर। अच्छा, तीनों जने उसके ऊपर गए थे। तीनों नहीं, एक स्कूटी थी और एक बुलेट थी, और हमारा प्लान क्या था, एक ही बुलेट पे जाते थे। पर उसमें तो सीट इतनी नहीं है ना। भले सीट नहीं थी पर हुआ, चले जाते क्या है, एक अगर तुम एक ही गाड़ी लेके जाते तो और वो डेंजर ही लगा वापस। यस, काली दिखी नहीं, मैं गोरी हूँ, मैं क्लियर बैलेंस लगाती हूँ, इसलिए गोरी हूँ। तो हमारा डिनर हो चुका है, और अभी मैं गई थी बाहर बुआ के साथ वॉक करने के लिए, वॉक करके आ गए और अब बैठे हैं थोड़ी देर, और आज हमारा प्लान है शमशेरा मूवी देखने का, तो अभी हम मूवी देखेंगे और यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, बाय।